राफेल फाइटर जेट फरी एक वक्त चर्चा में आव्यु छे। राफेल सौदानी तपास ने लईने फ्रांस में एक जज की निमणूक करवामां आवी छे, जेने लईने भारतीय राजकारण फरी गरमायु छे। फ्रांस द्वारा न्यायिक तपास शुरू कर्या बाद कांग्रेस पार्टीए राफेल सौदानी जेपीसी तपास की मांग करी छे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाए राफेल सौदा ने लईने कह्युं कि राहुल गांधी की बात साची साबित थई, अमे राफेल खरीदी की जेपीसी मांग करी रह्या छे। वडाप्रधाने कहेवू जोईए कि तेमनी सरकार शा माटे फ्रांसी तपास बाद जेपीसी तपासी परवानगी क्यारे आपशे। तो आ तरफ कांग्रेसना आरोप पर भाजपना प्रवक्ता संबित पात्राए कह्युं कि कांग्रेस झूठ अने भ्रमनो पर्याय छे, आजे फरी तेओ राफेल सौदा विशे खोटू बोली रह्या छे। फ्रांस की सरकार में फ्रांस की जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ झाला और घोटाला है, जब उन्होंने ही एक जज बिठाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, जिसमें उनके एक मौजूदा राष्ट्रपति और एक पूर्व राष्ट्रपति जांच के घेरे में आ गए, तो मुझे बताइए जिस देश में, यानी हमारे देश में, जहां यह घोटाला असली में हुआ, क्या वहां जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए? जांच अवश्य होनी चाहिए। का सवाल है, हिंदुस्तान का सीएजी, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट रफाइल को लेकर इन दोनों हाईएस्ट बॉडीज ने अपने रिपोर्ट को भारत के सामने, अपने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल वर्डिक्ट है और सीएजी का एक टेक्निकल वर्डिक्ट है। इन दोनों वर्डिक्ट को हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और उसका नतीजा रहा कि 2019 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी वो काम न चला। और एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट, जनता के कोर्ट में भी मोदी जी की जीत हुई, हमारी सरकार बनी,